हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आप भले ही गार्डनिंग के बहुत अच्छे जानकार हों, अपने पौधों की बहुत अच्छी केयर करते हों, लेकिन पौधों में पेस्ट इन्फेस्टेशन यानी कीट पतंगों के अटैक से बच नहीं सकते। मार्केट में बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स उपलब्ध हैं, लेकिन वे हमारे लिए बेहद असुरक्षित हैं। इनका अत्यधिक उपयोग कैंसर जैसे भयानक और अन्य कई रोगों को जन्म देते हैं। इसका एक सुरक्षित, प्रभावी और प्राकृतिक विकल्प है नीम ऑयल का स्प्रे। इसे तैयार करने का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नीम ऑयल का स्प्रे तभी प्रभावी रूप से काम करता है जब वह पूरी तरह शुद्ध हो। लेकिन आजकल बहुत सारे नकली प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं जो बेअसर साबित होते हैं। दूसरी समस्या है प्योर नीम ऑयल का बेहद महंगा होना। इसके एक लीटर की कीमत लगभग 1,000 रुपया है और शायद इसी वजह से नकली नीम का तेल बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैं आपको नीम के जितना ही असरदार और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने की विधि बताऊँगा, जिसे आप अपने घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने का खर्च भी लगभग ना के बराबर है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वह है नीम के कुछ पत्ते, लगभग 250 ग्राम की मात्रा में। नीम के गुणों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। नीम एक्सट्रैक्ट या नीम ऑयल एक अत्यंत असरदार एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल एजेंट है। जितना यह मनुष्यों के लिए उपयोगी है, उतना ही पेड़ पौधों के लिए भी है। गांव और शहर दोनों ही जगहों पर नीम के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। तो उन पेड़ों से आप नीम की इन पत्तियों को बताई गई मात्रा में ले लें। मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीम की इन पत्तियों की छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना लें। इसके लिए आप सीजर या किसी भी दूसरे औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीम की पत्तियों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक कड़ाही नुमा बड़े बर्तन में रखें, जिसकी कैपेसिटी 3 लीटर या उससे अधिक हो। इन पत्तियों को पानी में उबालकर इसका एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। इसलिए अब इस बर्तन में 3 लीटर पानी डालें और इसके बाद बर्तन को धीमी आँच पर चढ़ा दें। नीम की इन पत्तियों को पानी में तब तक उबालना है जब तक कि पानी की मात्रा आधी या उससे थोड़ी अधिक न रह जाए। उबालने की क्रिया समाप्त होने के बाद इसे ठंडा कर लें और बचे हुए लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में छानकर निकाल लें। नीम का यह लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमारे उस प्राकृतिक कीटनाशक का एक महत्वपूर्ण भाग होगा जिसे हम लोग आगे बनाने वाले हैं। इस एक्सट्रैक्ट को आप किसी साफ बोतल में स्टोर करके रख लें। इसका उपयोग आगे आने वाले 3-4 महीनों तक किया जा सकता है, अगर इसे सनलाइट से बचाकर रखेंगे तो। फ्रेंड्स, अब अगला कंपोनेंट जो आपको लेना है वह है लहसुन या गार्लिक का एक बड़ा सा बल्ब। यह गार्लिक ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अत्यंत लाभदायक होता है। इसमें मुख्य रूप से एलिसिन नाम का एक महत्वपूर्ण सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, जिसे क्रश करने पर सल्फर के कई और भी कंपाउंड्स जनरेट होते हैं। ये कंपाउंड्स एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से लैस होते हैं। इसके अलावा गार्लिक में लगभग 20 महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तौर पर मनुष्यों के अलावा पेड़ पौधों को भी होती है। तो इस लहसुन की कलियों को आप खल मूसल या किसी अन्य तरीके से अच्छी तरह क्रश करके पेस्ट बना लें। पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और अच्छी तरह पानी में मिक्स करें। अब इसके लिक्विड एक्सट्रैक्ट को छानकर अलग कर लें। इसके बाद गार्लिक के इस लिक्विड एक्सट्रैक्ट में लगभग 50 मिलीलीटर की मात्रा में लिक्विड नीम एक्सट्रैक्ट को मिलाएं, जिसे अभी अभी हमने तैयार करके बॉटल में स्टोर किया था।
तो गार्लिक एक्सट्रैक्ट और नीम एक्सट्रैक्ट, ये दोनों मिलकर प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा करने के अलावा हर तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पेस्ट अटैक से लड़ने में सक्षम है। फ्रेंड्स, इस मिश्रण को डाइल्यूट करके सीधे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वह तरीका अधिक असरदार नहीं होगा। इसे प्रभावी बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको स्प्रे बोतल में पहले थोड़ा पानी लेना है। अब इस पानी में मिलाइए 50 मिलीलीटर की मात्रा में कोई भी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। इसके बाद आपको लेना है कोई भी माइल्ड लिक्विड सोप। आप लिक्विड हैंड वॉश वाले सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लगभग 2-3 मिलीलीटर की मात्रा स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। अब इस स्प्रे बोतल को इस तरह जोर जोर से हिलाएं। ऐसा करने से ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब गार्लिक और नीम एक्सट्रैक्ट वाले लिक्विड मिश्रण को भी इस स्प्रे बोतल में डाल दें और एक बार फिर से इसे हिलाएं। अब स्प्रे बोतल के बाकी भाग को पानी डालकर लगभग 3/4 हिस्से तक भर लें। इस तरह से एक चिपचिपा और अत्यंत असरदार स्प्रे तैयार हो चुका है। इसे हफ्ते में 2 बार प्लांट के ऊपर स्प्रे करें ताकि प्लांट्स रोगों और पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहें। इस स्प्रे को आप हर तरह के प्लांट्स के ऊपर बेहिचक स्प्रे कर सकते हैं। इसे सीधी धूप में स्प्रे ना करें। इसे सूर्यास्त के समय या उसके बाद तब स्प्रे करें जब बारिश की कोई आशंका ना हो। यह अत्यंत सुरक्षित है और पूरी तरह प्राकृतिक है। फ्रेंड्स, आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि इस स्प्रे में वेजिटेबल ऑयल और साबुन डालने की आखिर जरूरत ही क्या थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेल का प्रयोग स्प्रे को चिपचिपा बनाने के लिए किया जाता है ताकि नीम और गार्लिक का एक्सट्रैक्ट प्लांट पर स्प्रे करने के बाद अधिक देर तक चिपका रहे। साबुन का उपयोग तेल को पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि तेल पानी में घुलता नहीं है। तो आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपका एक लाइक मुझे और भी अच्छा करने को प्रेरित करेगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट्स आप तक फौरन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।